फिहोवा में बीजेपी किस कदर कमजोर है, इसकी झलक शुक्रवार को बीजेपी के फ्लॉप रोड शो में देखने को मिली। रोड शो में भीड़ नहीं उमड़ सके। शो में खिलाड़ी गौतम गंभीर को बुलाया गया। हद तो तब हुई कि खुद बीजेपी नेता और पदाधिकारी ही इस रोड शो में शामिल नहीं हुए। अपनी जीत का दावा कर रहे बीजेपी नेता, कहना है कि इस सीट पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता स्वामी संदीप ओमकार टिकट मांग रहे थे। टिकट न मिलने से नाराज ओमकार ने आजाद उम्मीदवार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो उनका दावा है कि जनता का साथ और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। वह जनाधार सबसे अधिक उन्हीं के पास है। बीजेपी द्वारा इस रोड शो के लिए खूब प्रचार प्रसार भी किया गया था, पर जब शुक्रवार को रोड शो निकला तो उनके सारे दावे फेल दिखे। रोड शो में भीड़ दिखाने के लिए पिहोवा हल्के के बाहर से बच्चों व बाहरी लोगों को बुलाया गया। इतना कुछ करने के लिए रोड शो में भीड़ काफी कम रही। खिलाड़ी गौतम गंभीर का आना भी रोड शो में भीड़ नहीं जुटा सका। कानाफूसी यह है कि अंदरूनी राजनीति के चलते रोड शो फ्लॉप हो गया, पर जनता इस फ्लॉप रोड शो में जो संदेश जनता को इस रोड शो में जो संदेश गया, वह आने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है।